सिवान उत्तर प्रदेश के बॉर्डर श्रीकलपुर चेक पोस्ट लॉकडाउन के दरमियान सारी व्यवस्थाएं चरमराई सी दिख रही हैं, क्योंकि यहां हजारों की संख्या में लोग दिल्ली से एवं अन्य राज्यों से आकर पड़े हुए हैं। घंटों से ना ही पानी की व्यवस्था है और ना ही कुछ खाने पीने की व्यवस्था है, यहाँ तक कि इनके जांच की भी व्यवस्था यहाँ नहीं है। वहीं इस क्षेत्र के भाकपा माले के विधायक ने भी सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। देखिए सिवान से आकाश की स्पेशल एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं न्यूज व्यूज। आज हम आपको एक एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं जो सिवान और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर का है। ये तस्वीर है सिवान के श्रीकलपुर जांच पोस्ट का, जहां हजारों की संख्या में दिल्ली से आने वाले मजदूर खड़े हैं, घंटों से खड़े हैं, काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन व्यवस्था क्या है ये हम इन्हीं से जानते हैं। आपको बता दें कि सुबह से अभी तक लगभग 1000 से ज़्यादा लोग सिवान में प्रवेश कर चुके हैं। सिवान में दिल्ली से आने लोग 1000 से ज़्यादा लोग प्रवेश कर चुके हैं और लगभग 1000 लोग और हैं, और पूरे दिन में कितने लोग आएंगे इसकी अभी कोई जानकारी, ठोस जानकारी नहीं है। यहाँ काफ़ी लोग हैं, उनकी काफ़ी समस्याएं हो रही है। किस तरह की समस्या है बताओ? काफ़ी समस्या है सर। हम लोग कम से कम 10 दिन से समझिए हम लोग एक टाइम खा रहे हैं और सो रहे हैं। जैसे 2 दिन के हम लोग को पता चला सर कि योगी जी ने बस चालू किया, हम लोग ने जैसे तैसे भीड़ भड़क्का में चढ़ गए और हम लोग ने काफ़ी सर वहाँ हम लोग काफ़ी यानी समझिए फंसा हुआ। ये बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि 2 दिन के लिए इसे भी ट्रेन चालू करना चाहिए कि हमारे बिहार के लोग खाने पीने को मिला कि जी। खाने पीने का उधर तो यूपी में तो सही सर मिल रहा था, योगी सरकार ने बहुत अच्छा सुविधा दिया जी। और हमने जैसे बॉर्डर पे आया सर, बहुत काफ़ी चार यहाँ आए तभी भूखा, इस पार चले जाए तो बहुत खाना मिल रहा है। योगी सरकार के प्रशासन भी हमें बोले ये इस उस पर कुछ नहीं मिलेगा, वास्तव में यहाँ भूखे बैठे बड़े हुए। पानी भी नहीं मिल, पानी भी नहीं मिल रहा। कहाँ जाना आप लोग? हम लोग को समस्तीपुर जिला जाना है सर। यही दिक्कत हो रही है कि हम लोग इधर थोड़ा पानी रास्ता जो नहीं मिल रहा है, उधर जो भी सरकार जो बहुत बढ़िया व्यवस्था की है उससे हम लोग खुश हैं, लेकिन थोड़ा आने में बहुत दिक्कत थोड़ा महसूस हो रहा है सर। देखिए बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और सभी लोग परेशान हैं। आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं ये परेशान वो मजदूर हैं जो दिल्ली से आए हैं और इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अच्छी व्यवस्था की थी और इस व्यवस्था की ये लोग गुणगान कर रहे हैं। यहाँ पे तमाम लोग हैं, आप सब लोगों को देख सकते हैं किस तरह से। आप लोग कहाँ से आ रहे हो? दिल्ली गए। खाना पीना यहाँ मिल रहा है? उधर मिला है। किधर मिला है? उस पार। यहाँ यहाँ पे मिला है? नहीं। पानी मिला है पीने के लिए? हाँ। यहाँ पे? हाँ। अच्छा, क्या व्यवस्था है यहाँ पे? कुछ नहीं। कब से खड़े हो यहाँ? आधे बताओ क्या समस्या है? क्या यहाँ समस्या? तो यहाँ से 4 घंटे से तो पहले हम लोग खड़े हुए हैं, कोई व्यवस्था नहीं यहाँ से, और न उधर व्यवस्था है कुछ भी है, न गाड़ी का है, पैदल 4 दिन से आ रहे हैं हम लोग। 4 दिन से पैदल आ रहे हैं और आज तक अभी न गाड़ी मिला न कुछ मिला, आज यहाँ पे लाइन में खड़े 4 घंटे अभी भी। 4 घंटे से ये लोग खड़े हैं, 1000 लोगों को भेजा गया है, यहाँ जाँच की कोई व्यवस्था नहीं है, बस उनका नाम पता लिखा जा रहा है और भेजा जा रहा है। फिलहाल स्थिति इतनी भयावह है जिसे देखकर आप खुद परेशान हो जाएंगे कि जो दिल्ली से चले हुए मजदूर हैं वो कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। ये सारी व्यवस्था मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये स्थिति जो है काफ़ी भयावह है। महिलाएं भी यहाँ पे हैं, इन लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्या समस्या हो रही है आप लोग से जानते हैं, क्या समस्या है भाई? सर यहाँ 2-3 घंटे से खड़े हैं, कोई सुविधा नहीं है। अभी हम लोग ऊपर से जब आ रहे थे फुल व्यवस्था की गई, खाना पीना बहुत अच्छी व्यवस्था। देखिए यहाँ बच्चे हैं, महिलाएं हैं, ये सारे लोग हैं, लेकिन व्यवस्था के नाम पर यहाँ कुछ नहीं है। अब इस क्षेत्र के विधायक जी हैं, इनसे भी हम सीधे सीधे जान लेते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे। अभी देखिए विधायक जी आए हैं, यहाँ लोगों से मिल रहे हैं, जो इस पार आने वाले लोग हैं इन लोग से मिल रहे हैं, क्या व्यवस्था है इनसे भी जान लेते हैं। विधायक जी हैं, हमारे विधायक जी यहाँ पे, इन्हीं से जानते हैं। सर काफ़ी लोग उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, किस तरह की व्यवस्था है यहाँ बिहार में? पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये मेहरौना पुल यूपी बिहार के बॉर्डर है, सिवान जिला में पड़ता है और यूपी हरियाणा पंजाब दिल्ली मुंबई तक के लोग चल दिया है और वो लोग यहीं सब आ रहे हैं।
उधर से बस से यूपी सरकार बस से ला करके छोड़ दे रही है। बिहार सरकार लोगों को यहाँ से भेजने का कोई इंतजाम नहीं की है। खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, पानी तक की व्यवस्था नहीं है, इस पे क्या करना चाहिए? कोई इंतजाम नहीं किया, बस नहीं किया है और खाने पीने का इंतजाम नहीं किया है और कोई मार्गदर्शन नहीं है अधिकारियों को कि क्या करें क्या नहीं करें। और जनता परेशान है, सरकार व्यवस्था की होती तो जैसे लोग बस से उतर रहे हैं उसी तरह से बस से चढ़ के अपने जिला को चले जाते, अपने घर को चले जाते या जिला में ले जा करके आप स्वास्थ्य विभाग के जो प्रोटोकॉल है उसको आप मेंटेन करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ तो सब प्रोटोकॉल टूट गया है। सर ये जानना चाहते हैं कि आप स्थानीय विधायक अपने स्तर से आप इन लोगों को खाने पीने की कुछ व्यवस्था करेंगे? सिस्टम ये है कि हम लोग तो किए हैं, अभी RBT स्कूल में खाना का चल रहा है, जीरा दही चल रहा है, लेकिन जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के अंदर घुस के करना कुछ बड़ा मुश्किल हो गया है ना। तो ये प्रोटोकॉल है कि यहाँ से वहाँ जहाँ सेंटर बना है वहाँ पहुँचाने का सवाल है और वहाँ पहुँचा करके और इनके खाने का इंतजाम हम लोग किए हैं कराए हैं, लेकिन वो खाना अभी इन लोगों को नहीं मिले। जब पहुँचेंगे वो पहुँचेंगे तो उनको खाना मिलेगा, लेकिन सरकार के तौर पर जो काम होना चाहिए वो नहीं है। सरकार यहाँ फेल है, हम एक तरह से इस सरकार में विधायक भी है। हाँ, चूंकि ये सब जो है यही असली बिहार का गरीब है जो घर छोड़ करके जा करके हरियाणा में दिल्ली में पंजाब में जगह जगह विभिन्न किस्म के काम करके अपन जीवन यापन करता है, अभी उसका सारा काम बंद हो गया है तो वहाँ भी वो नहीं रह सकता है, चूँकि खाने के कहाँ से मिलेगा कौन देखेगा, और वहाँ से भागा है आया है। तो ये बिहार की सरकार जो बहुत गरीबों की बात करती थी अब उसको जो है भूल गया है सब गरीब कि अब इनके का इंतजामात की ज़रूरत है, वो नहीं कर पा रही है। ऐसी स्थिति में फिर से हम इस मेहरावना पुल से धरती से और ये गरीबों के बीच से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं, हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि कृपया जल्द से जल्द मेहरावना पुल पर आवश्यकता भर बस भेजने की कृपा करें ताकि उन बसों से सभी लोगों को हम उनके जिले में भिजवावें जहां जा करके आप अपना स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल को लागू करें उनका जांच करें। एक मांग बहुत जायज है और इस मांग को रहना भी चाहिए क्योंकि सारे लोग परेशान हैं और इस परेशानी का सबसे बड़ा तात्पर्य ये है कि ये कोरोना जो वैश्विक महामारी है इस महामारी से ये सारे लोग काफी परेशान है, ऐसे में ये मांग है और इस मांग पे नीतीश सरकार को पहल करनी चाहिए ताकि सभी लोग अपने घर जाएं, अपने शहर में रहें और सुरक्षित रहें। इस महामारी का सबसे बड़ा बचाव है कि हमें सुरक्षित रहना पड़ेगा, हमें जागरूक होना पड़ेगा और जागरूक तभी होंगे जब सब लोग अपने पास अपने घर में रहेंगे। सिवान से कैमरा पर्सन आशीष के साथ न्यूज़ व्यू।